आपको भी स्पोर्ट्स का शौक रहा है जवानी के जमाने में? जी मैं खेलता रहा। क्या स्पोर्ट्स खेलते थे आप? मेरी बेसिक बुनियादी जो स्पोर्ट्स थी वो तो हॉकी थी। हॉकी, तो मैं कप्तान भी था अपने कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूं मैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट तक गए। और पाएं दो वहां पास गोल कर लेंदे सी, क्योंकि गेंद इंदा दी हुंदी सी ना। और कौन थे आपके फेवरेट हॉकी प्लेयर एट दैट टाइम? तनवीर डार थे, जखव थे, बड़े बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। और मैं भी बात कर रहा था, अजीब सा लगता है कि जब मैं देखता हूँ ना, खेलते खेलते कोई खिंच जाता है, हैमस्ट्रिंग हो जाती है, ये हो गया यार, हमें तो पता ही अब चला है कि ये भी होता है। हाँ, वैसे ये भी एक बहुत पहले खुराक अच्छी सर ना, वो खुराक क्या थी मैं तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि उस वक्त अनइवन ग्राउंड थी ना, बिल्कुल इवन ग्राउंड तो थी नहीं, और क्रिकेट के लिए भी दो चीजें होती थी, एक तो आपकी सीमेंटेड टर्फ होती थी और दूसरी आपकी मैट होता था, तो बड़ी मुश्किल उस वक्त थी। इजी तो हुई है गेम किसी हद तक, बहुत ज्यादा उसमें साइंस भी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है ना के? अब जैसे बच्चियां ये खेलती हैं, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। जब इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगी पीछे से, जैसे मतलब आप कस्टम है, रेलवे है, ये अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है इनकी और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो एटलीस्ट फोकस कर सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल सर, मगर वो तो इवन फ्रॉम द मेन साइड बड़ा कम हुआ है, और आपको पता ही है जैसे अभी कुछ साल पहले भी ये वो तमाम डिपार्टमेंट से हटा दी गई थी स्पोर्ट्स। तो गलत है नहीं? बिल्कुल गलत है, उसी चीज ने आपको खराब किया ना। बहुत बड़े बड़े स्टार जो थे ये बने ही ऐसे थे कि जब आपको फिक्र मुआश नहीं होगा, जैसे आपको नहीं है तो मतलब देखे ना, आप आगे यहाँ पे हंसते रहते हैं, क्यों? इसलिए कि आपको फिक्र मौज नहीं है, वरना हंसी तो आप ही है। लेकिन सर, जिस तरह तुसी स्पोर्ट्समैन वासी भाई भी क्रिकेटर सर रहे जी, बहुत दस नहीं रहे, बड़ी क्रिकेट खेली इन्होंने, मैंने जिक्र भी उसन कर रहे सन, और बड़े बड़े वड्डे मैच खेलने, एक दिन मैं सर टूर्नामेंट खेलन गए कि तिना मैचों से जीरो तो आउट हुए ने, ते तीजी वार आउट हो गया ते वाम कह रही चलो चलो, उन्होंने वेख के कह रहे ने देखिए वाम किन्ना एहतजाज कर रही है। मगर वैसे फ्रस्ट्रेशन होती है ये आउट होने पे, जब कभी लगे कि नहीं आप लेग बिफोर थी या एज नहीं लगी। बिल्कुल, ये कह लें कि ये गेम की एक खूबसूरती भी है जो आपको बर्दाश्त सिखाता है। मैं अपनी बात करूं कि मुझे उस चीज़ ने बहुत एक बर्दाश्त सिखाई है कि मुझे बर्दाश्त करना है, तो बिल्कुल होता है, और बहुत दफ़ा मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है कि LBW नहीं होता, इनसाइड एज होता है या बैट को लग रहा होता है, लेकिन अंपायर का डिसीजन है। सम टाइम रिएक्शन हो जाता है, लाइक ऐसे के इंटरनेशनल मैचेस में नहीं किया कभी ऐसा, और ना ही कभी करूँगी। फ्रेंडली मैचेस होते हैं उसमें बंदा कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि फिर अब कह लेंगे फील्डिंग पर भी कॉन्सनट्रेट करना है, फिर बॉलिंग भी जब मैं करती थी तब एक अलग होता था, लेकिन बर्दाश्त करना। Which ground is your favorite? ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत मजा आता है उनमें खेलने का, स्लाइड्स लगती हैं, हाँ फील्डिंग का। लेकिन अगर किसी जगह की बात करें तो इंडिया में हम जो 2016 में वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को भी हराया था, तो वो एक बिल्कुल यादगार कह लें कि, और 2019 में जो साउथ अफ्रीका में मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो वहाँ पे खेलना मुझे बहुत मजा। किरण जी कभी मैच खेलन गए तो करो फोन आ गया कि तेनू मैच दे पे ही आटा घर के ने गुणना। तो आगे से बताती हैं कि मैं कैसर भाई का नंबर देकर आई थी। उठे ही नहीं थे, बैठा हुआ है पहले से। हेलो, लोअर द टोन। वो कह रहे हैं कलीम हाजत आऊं टोन। हाँ, माफी मुश्किल। नहीं नहीं, टोन गफल। मोबाइल बंद कर लिया। कहते जी मैं पाकिस्तान के अंदर एक अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता। अच्छा, इस बार ये ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, कौन सा? अल मलाबिस वल अहदियतुल बदलात। कहते जी ऐसा ब्रांड होगा हम दुनिया में से सारे ब्रांडों को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा। सयकून الاسم في العلامة التجارية وبز يعني WBZ وزن بن ذرة। कहते मेरे ब्रांड का नाम होगा ये वजन बिन जर्रा। WBZ। हाँ जी। ओके। वजन बिन जर्रा। जी, नाम है शेख वजन बिन जर्रा। ओके। हाँ जी, मेरा नाम है अजवर बिन वडैच। आप आज अपना ब्रांड कर रहे हैं। जी जी। WBZ किस चीज का, क्या क्या होगा उसमें?
कहते हैं उसमें कपड़े होंगे, जूते होंगे, फॉर्मल अनकलम ओशी वर्साशी अरमानी सौफा युथरकुल जमीअ वराअहुम ते ए कह दे हैं कह रहा है कोई ये जो गुची अरमानी ये सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो हम लॉन्च करेंगे और उससे भी बेहतर होगा लेकिन ये होगा कैसे माफी मुश्किल انت معلوم القطن في الباكستاني في المشهور زياده कहने ने दुनिया में सबसे अच्छा कॉटन जो है वो पाकिस्तान में बनता है हां سوف نقوم في التصدير कह रहा है सारा का सारा हम इंपोर्ट कर लेंगे ओके हां जी एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर लेंगे ला الزي الغام कहने जी शोरूम जो मैं बनाऊंगा पूरी दुनिया में बनाऊंगा कहां कहां पे في مال اوف دبي في برج الخليفه अरबी नहीं बोलता जिद्दा ترجمہ لمبا ہے ایک सर मैं आईडिया नाल करना हुंदा अच्छा हां टेक्निकली क्योंकि मैं उन्हें पंजाबी सिखा रहे हैं वो मैंने अरबी अले सिखा रहे हैं सर वो भी है पहले महीने दी तनखा बन लैन उस बाद जो मर्जी कर ओदे कोल होएगी ते देगा ना सर शेख है गब्बर शेख ते मैं भी हां यानी जी मेरे शोरूम होंगे दुबई बुर्ज खलीफा शांज़ेलिज़े सर पेरिस में कह रहे हैं शांज़ेलिज़े जी जी मुझे समझ आ गई गलत गल ना करो शांज़ेलिज़े जड़ा वो तो चौंक का नाम है खिलाड़ियों के साथ साथ सियासी जो लोग हैं ना जी उनको से भी हम मॉडलिंग करवाएंगे ओ अच्छा मसलन कोई दिन में उस्मान बुज़दार फवाद चौधरी शेख अल रशीद फैज अल हसन जवान बादेन आदर किदा अयो ब्रेस खताक जो नाम आपने लिए है ना अयो जेडी जेडी जमात दी मॉडलिंग इन्होंने की थी है ना अयो उन सारे दा ही पट्ठा बह गया है ब्रेच हां तो फिर नून लीग दे मॉडल ले नून लीग दे मॉडल नून लीग दे सब तो बेहतरीन मॉडल ते ए ने ये हमारे नून लीग के ओए अपना फेफड़ा ना पाड़ लई السلام عليكم عارف عليكم السلام كيف حالك الحمد لله بخير كيف انت يا حبيبي عارف عارف ايوه انا عارف شيخ هو شيخ انا شيخ 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 قزن قزن دزن دزن شيخ رويل اصغر صاحب هيز فروم بي ام ال ان खिलाड़ी पाकिस्तानी शेख साहब नु कितना एडवांस देना पहले कर्जा बड़ा दिता